बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्रिकेट मैचेस में लगने वाले छक्कों की डिस्टेंस को हॉकाई सिस्टम की हेल्प से मापा जाता है। चलिए समझते हैं कि ये हॉकाई मैच में लगने वाले छक्कों की लेंथ कैसे नापते हैं। इस बैट्समैन द्वारा लगाए गए सिक्स की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस हॉकाई सिस्टम को दो तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो बॉल की ट्रेजेक्टरी 3D इमेज और दूसरी बॉल की स्पीड। जैसे ही बॉल को बैट से हिट किया जाता है तो इस स्टेडियम में लगे ये 6 हाई स्पीड कैमराज अपने डेटा को कंबाइन करके बॉल ट्रेजेक्टरी यानी बॉल के एक एंगल पर ट्रेवलिंग पाथ की 3D इमेज इस तरह से दिखाते हैं। इस छक्के की फाइनल डिस्टेंस के मेजरमेंट में ये 3D इमेज बॉल ट्रेजेक्टरी और बॉल को बैट से हिट करने के बाद की स्पीड को ये हॉकाई सिस्टम कैलकुलेट करता है। जैसे ही बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर गिरती है वैसे ही आपके सामने इस छक्के की डिस्टेंस आ जाती है। इस सिस्टम की एक्यूरेसी पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए इसके साथ ये रडार गन का भी यूज किया जाता है। इसमें रेडियो वेव्स की हेल्प से बॉल की स्पीड को इस तरह से मापकर फिजिक्स फॉर्मूलाज की हेल्प से इस छक्के की डिस्टेंस निकाली जाती है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।